मनुष्य को पवित्रता, स्वच्छता और सुंदरता पसंद है। स्वच्छता से मनुष्य का जीवन स्वस्थ बनता है, इस कारण स्वच्छता हमारे लिए अनिवार्य है। स्वच्छता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, परंतु स्वच्छता जितनी मूल्यवान है उतना ही कठिन है उसे बनाए रखना। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए निरंतर श्रम, नियम और साधन की आवश्यकता होती है। हमारा भारत प्राकृतिक रूप से सुंदर होते हुए भी दुर्भाग्य से गंदगी और अस्वच्छता का घर बनकर रह गया है। नगर के बैटमा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बैटमा में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकला, रंगोली, निबंध लेखन एवं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित चलित मॉडल बनाए गए, जिसका निरीक्षण नगर परिषद CMO रचना गोयल एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल एवं क्षेत्रीय पार्षद द्वारा किया गया। बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग की इनके द्वारा बहुत सराहना की गई। वर्किंग मॉडल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं थर्ड होलीग्राम काफी चर्चा का केंद्र रहा। वहीं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर आधारित बनी रंगोली को भी काफी सराहा गया। इस अवसर पर नगर परिषद CMO एवं अध्यक्ष द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। वहीं इस अवसर पर बच्चों ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बहुत मेहनत की, जिसका संस्था संचालक मोहम्मद अमीन खान एवं प्राचार्य राजेंद्र अग्निहोत्री और विद्यालय परिवार ने आभार माना और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे आगे भी इसी प्रकार सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने माता पिता एवं अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये जो होलोग्राम है ये एक ग्रीक वर्ड का शब्द है, जिसका मतलब होता है होलो एंड ग्रीक का मतलब जो ग्राम है उसका मतलब होता है मैसेज। अगर हम इसमें कोई भी इमेज दिखाएंगे तो ये ना इसको इस मिरर में दिखाएगा, कारण ये फेस मिरर नहीं है हालांकि पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।